देखिए आज जो है जो वीडियो आप लोगों के सामने बनने जा रही है वह है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सुने हैं? नहीं सुने हैं, सुने होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे। जैसे एक वाक्य होता है सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग ना, अब इस वाक्य में एक सीता है, एक पीज है, एक सिंगिंग है और एक क्या है सॉन्ग, इतना है। तो सीता इसमें क्या है, काम करने वाली है, बाकी ये है। तो सीता यही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यह क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और इसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। ठीक, यही आपका चैप्टर है आज। तो हेडिंग बनती है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, PARTS, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक सेंटेंस कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक को सब्जेक्ट कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। एक को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर लिखिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला क्या आया आपका, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, PREDICATE। ठीक, सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं विधेय। किसी को कर्ता ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ता। ठीक, इतना हो गया। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं यह भी जानना आवश्यक है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक, तो हेडिंग बनती है, हेडिंग डालिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहां पर राम इज डांसिंग, ध्यान दो। अब यहां पर किसके बारे में कहा गया है, इज डांसिंग, नाच रहा है। कौन नाच रहा है, राम। उत्तर मिल गया। अगर हम कहते कौन नाच रहा है तो उत्तर हमको यही मिलेगा कि राम। तो यहां पर ये आपका है राम। इस वाक्य में राम के बारे में कहा गया है इसलिए
राम क्या हो गया सब्जेक्ट वर्ब, ठीक। और देखिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, यू आर अ गुड बॉय, अब देखिए यहां पर यू आर अ गुड बॉय, ठीक। अब यहां पर कौन अच्छा लड़का है, तुम, यू की हिंदी क्या होगी तुम या आप, ठीक। तो यहां पर जो है इस वाक्य में यू के बारे में कहा गया है, ठीक। तो यू आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ सब्जेक्ट हो गया। दे आर रनिंग, दे आर यू डबल एन आई एन ई, अब यहां किसके बारे में कहा गया है, दे के बारे में। तो यह आपका दे क्या हुआ बोलिए सब्जेक्ट, ठीक, समझ में। तो सब्जेक्ट हो गया ना। अब सब्जेक्ट जो है कभी कभी प्रश्न जो है आता है कि सब्जेक्ट में कई पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट का जो हिस्सा होता है, सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होता है वह बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का जो पार्ट होता है वह बहुत बड़ा होता है, जैसे कहा जाए कि मैन इज डांसिंग, ना? अब देखो मैन यहां पर क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, और यही आपका क्या कहलाएगा हेडवर्ड, ठीक। ये आपका सब्जेक्ट हुआ और बाकी ये तो आपका प्रेडिकेट है, ठीक, समझ नहीं। अब जो है जैसे कहा जाए कि ए मैन इज डांसिंग, ए मैन इज डांसिंग, अब देखिए सब्जेक्ट वाले में दो वर्ड हो गए, सब्जेक्ट वाले में कितने वर्ड हुए, दो वर्ड हुए ना भाई। ए मैन आपका यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या हुआ सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ है, ठीक। जो हमने बॉक्स में रखा है ये बॉक्स वाला आपका क्या हुआ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट में दो भाग हैं, मतलब दो वर्ड हैं, एक तो आपका है, एक ए है, ए है और एक आपका मैन है ना। तो जो ए है इसको क्या बोलेंगे क्वालिफायर, क्या बोलेंगे क्यू यू ए एल आई एफ आई ई आर, क्यू यू ए एल आई एफ आई ई आर, और इसको आप बोलोगे क्या बोलोगे हेड वर्ड, हेड वर्ड, लिखते रहो ठीक, इसको क्या बोलोगे हेड वर्ड, समझ नहीं। ये आपका क्या हुआ क्वालिफायर और ये आपका क्या हुआ हेडवर्ड। जैसे और हम एक वाक्य लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं बताना पड़ेगा, एन एलिफेंट इज डांसिंग, अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है, हाँ पूरा बताओ तेज से, आयन एलिफेंट, चलो आ रहा है आएगा आयन एलिफेंट, यह आपका क्या हुआ आयन एलिफेंट आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक। अब इसमें आपका आयन आपका क्या हुआ बोलिए क्वालिफायर, क्या क्वालिफायर, क्यू यू ए एल आई एफ आई ई आर, ध्यान दीजिएगा क्यू यू ए एल आई एफ आई ई आर क्वालिफायर, तो एलिफेंट आपका क्या आ जाएगा
हेड वर्ड, ठीक सवाल, यह आपका आ जाएगा एच ई ए डी हेड वर्ड, ठीक इतना समझ आ गया। अगर सब्जेक्ट वाले में दो वर्ड हैं तो, अगर मान लीजिए तीन हो गए तो सब्जेक्ट वाले हिस्से में तीन वर्ड हो गए, जैसे कहा जाए कि ये रहा, एक समझ में आ गया ना, जैसे लिखे ए वाई ओ यंग गर्ल इज पी एल ए वाई आई एन जी। अब देखो आपका यहां से यहां तक क्या होगा सब्जेक्ट, हाँ समझ आ रहा है, पूरा इसको हटा देते हैं, यंग यंग गर्ल आपका क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखिए यह आपका ध्यान दीजिए गर्ल, यह आपका नाउन है, इसी को आप बोलोगे क्या हेड वर्ड, हेड डब्ल्यू ओ आर डी नाउन बोल सकते हो, यंग आपका क्या है एडजेक्टिव, ठीक है। अब बचा ए, ए का क्या है, ए को क्या नाम दोगे बोलो, ए को हम बोलेंगे डिटरमाइनर, आप लिखते रहिए डी ई टी ई आर एम आई एन ई आर, इसको बोलते हैं डिटरमाइनर। अगला उदाहरण लिखते हैं, अ ब्लैक क्रो फ्लू अवे, अब बोलिए इसमें सब्जेक्ट आपका कहां तक जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो गया ना, अ ब्लैक क्रो इतना आपका सब्जेक्ट हुआ, तो इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा और इसका क्या नाम होगा, इसको क्या बोलेंगे डी ई टी ई आर एम आई एन ई आर, ये हो गया आपका डिटरमाइनर ना, इसको क्या बोलोगी ए डी जे ई सी टी आई डी एडजेक्टिव, और आपका क्रो क्या हो जाएगा नाउन या हेड वर्ड, ठीक भाई हेड वर्ड इसको इसलिए मुख्य शब्द इसलिए है क्योंकि अगर कौवन होता तो ब्लैक होता और नहीं ए होता, ठीक तो इसलिए इसको क्या बोला गया है हेड वर्ड। कभी कभी जो है और हिस्से होते हैं, जैसे देखिए हम कल रिवीजन में यही देखेंगे, जैसे एक उदाहरण लेते हैं जैसे मैं लिखूं यहां पर माई यंगर, माई यंगर ब्रदर इन के ए एन पी यू आर, सिंग्स अ सॉन्ग और छोटा कर दिए, अब देखो यहां पर सब्जेक्ट कहां तक गया है, कितना आपका सब्जेक्ट हुआ, इसकी आवश्यकता वहां पर पड़ती है जब आप किसी वाक्य को सही राइट इन करेक्ट ऑर्डर, एक प्रश्न आता है राइट इन करेक्ट ऑर्डर, तो
वहां पर इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपको यह जानकारी नहीं रहेगी कि कौन कौन सा वर्ड है तो आपको वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका सब्जेक्ट हुआ है ना, आप एक ए हुआ, ददर हुआ, इन कान को ये एक दो तीन चार, चार पार्ट में सब्जेक्ट आपका बटा, कितने पार्ट बचा, चार पार्ट में। तो पहले वाले का क्या नाम है, डिटरमाइनर, हमने पहले बताया था डी ई टी ई आर एम आई, डी ई टी ई आर एम आई एन ई आर, डिटरमाइनर। और ये वाला क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, अब ब्रदर आपका क्या हो जाएगा, हेडवर्ड, नाम है ना, हेड नाम, चलो नाम लिखो, हेडवर्ड ये होता है, हाँ चलो नाम ऊपर लिख दे रहे हैं आप, ठीक है। अब इन कानपुर आपका बचा, इन कानपुर, इसको बोलेंगे ए डी जे सी टी आई वी एल, एडजेक्टिवल फ्रेज, ए डी जे ई सी टी आई वी ए, साफ नहीं आ रहा है, ए डी जे ई सी टी आई वी एल पी एच और ए एस टी, बाकी आपका प्रेडिकेट जावे करेगा। ठीक, पी एच आर ए एस ई है, ठीक है। हो गया, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, ठीक है, जैसे आ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन द ट्री, टी आर डबल ई, फ्लू ए डब्ल्यू ए वाई, फ्लू अवे। ठीक, अब इसमें आप बताइए कहां तक जाएगा सब्जेक्ट, यहां तक, ये यहां से लेकर के एक बॉक्स बना रहा है, यह आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो अभी इसके पहले जैसे था, इसको क्या बोलोगी, इसको क्या बोलो बोलना है, ये क्या है, सिटिंग ऑन द ट्री, ये क्या है, सिटिंग ऑन द ट्री क्या हो जाएगा, क्रो क्या हो जाएगा, बस बताओ क्रो क्या हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छा, नाउन, इसी को क्या बोलोगे, हेड वर्ड। ठीक, और ब्लैक आपका क्या हो जाएगा, शाबाश, और यह क्या हो जाएगा, डी वी टी आर एम आई एन ई आर, लेटर माइनर, और यह क्या हो जाएगा, ए डी जे ई सी टी आई वी एडजेक्टिवल पी एच और ए एस ई, और यह आपका क्या जाएगा, पी आर ई डी आई सी एडजेक्टिवल, समझा। ठीक, तो सब्जेक्ट वाला पार्ट बिना बड़ा बड़ा हो सकता है, प्रेडिकेट वाला छोटा है, तो एक दो तीन चार, हमने चार भागों में बांटा, पहले वाले का क्या हुआ, डिटरमाइनर, दूसरे वाले में एडजेक्टिव हुआ, तीसरा आपका हेडवर्ड हुआ, और चौथा क्या हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर केवल दो रहेंगे तब, दो ही हैं तो फिर देख लो एक बार, अ काउ इज जी आर अ जेड आई एन जी, अब देखिए इसमें दो ही हैं सब्जेक्ट वाले में ना, तो पहले वाले क्या बोलोगे, क्वालिफायर, और दूसरे वाले हेडवर्ड है।
पहले वाले को क्या बोलना है, क्यू यू ए एल आई एफ आई ई आर, और ये आपका हो जाएगा एच ई ए डी हेड है। तीन रहेंगे तो तब डिटरमाइनर में आ जाएगा। ठीक, इसको मटा दे रहे हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपका। अगर तीन है तो अब ब्लैक कैट इज अ रेड। ठीक, अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब कितना हो गया, तीन हो गया। तो पहले वाले क्या बोलना है, डिटरमाइनर, ये वाला क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, और ये आपका क्या जाएगा हेड वर्ब नाउन जिसको आप बोलते हैं। ठीक,